फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राफ्टर जो होता है उसका ब्रैकेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये एक शेड का ड्राइंग है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी कॉलम है, और उसके बाद यहाँ पर ऊपर में देखिए कॉलम में ही दोनों साइड में दो ब्रैकेट लगा हुआ है। देखिए एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है, और उसी का ऊपर राफ्टर का जो बीम है वो जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो राफ्टर का जो हमारा सपोर्ट है वो सपोर्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल ई यहाँ पे बोल रहा है देखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए डिटेल ई में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये है इसका डिटेल ई, और देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा ब्रैकेट है वो देखिए यहाँ पे, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ब्रैकेट है वो मतलब वो कितना डिग्री में है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप ऊपर में देख पा रहे होंगे ये 15 डिग्री में दिखा रहा है। ठीक है, तो 15 डिग्री में हमें इसका ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है और प्लेट का थिकनेस भी दिया हुआ है। ये तीनों प्लेट इसका 12 mm का है, और उसके बाद इधर से इधर 155 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 380 है। ठीक है, और ऊपर का जो डायमेंशन है ऊपर का दिया नहीं है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम इसको फिर भी ले लेंगे। ठीक है, और ये वाला दिया है 310, तो ये वाला लगभग बराबर ही दिख रहा है, तो इसलिए इसको भी हम 300 ही पकड़ लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए इसका डिग्री 15 डिग्री दिया, तो इसी के हिसाब से हमें बनाना है, क्योंकि और हमें यहाँ पर कुछ इसका जो है डिटेल दिया है नहीं। तो चलिए सबसे पहले 15 डिग्री में लेआउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक सर्कल जो है इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री में ऐसे आपको एक यहाँ पे ट्रायंगल बना देना है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइडर लेना है, और डिवाइडर देखिए अभी इसका हाफ सेट है, मतलब रेडियस में सेट है, और आपको इस तरीके से मार देना है। ठीक है, यहाँ पे एक मारना है, उसके बाद फिर इसी पॉइंट से आपको यहाँ पे मारना है, और फिर इस पॉइंट से आपको यहाँ पे मारना है, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आ रहा है। ओके, मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा सर्कल है वो टोटल कितना है, 360 डिग्री है। ओके, तो इसको हमने कितना पार्ट में डिवाइड किया, तो देखिए एक हो गया, ये दो, तीन, चार, पाँच, और ये छः, मतलब कि हमने यहाँ पे छः पार्ट में इसको डिवाइड किया। ओके, तो हमारा कितना हो गया, 360 डिवाइड 6 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो हमारा 60 डिग्री में है। ओके, ये कितना डिग्री में है, 60 डिग्री में, मतलब कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब कि अगर कोई लाइन, अगर मतलब यहाँ से अगर हम ऐसा लाइन खींच देते हैं तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये है 60 डिग्री का। ओके, और ये 90 डिग्री का, ये 0 डिग्री का, तो हमें यहाँ पे कितना का, 15 डिग्री का हमें एक लाइन खींचना है। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे आइए देखते हैं। तो अभी इसका पहले हम हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे ऐसे डिवाइडर रखेंगे और इधर ऐसा मार देंगे और सेम इधर। ओके, और फिर यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच लेंगे ऐसे, तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये हो गया 15 डिग्री, सॉरी ये हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का, मतलब कि तो 60 और 0 के बीचों बीच में है ये लाइन, तो ये हो गया 30 डिग्री का। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 0 और 30 के बीच में हमें एक लाइन खींचना है, तो हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का। तो आइए देखते हैं कैसे खींचना है। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री का पॉइंट, तो हमें सिंपली यहाँ पे ऐसे डिवाइडर रखना है ऐसे, और डिवाइडर को जो है जितना पे भी आप चाहे उतना पे सेट कर सकते हैं। ओके, और फिर ऐसे रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कटिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से इसको ऐसे खींच देंगे, मतलब कि ये हो गया हमारा 15 डिग्री का। ओके, ये हमारा हो गया 15 डिग्री का लाइन, तो हमें इसी में क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 15 डिग्री वाला ऐसे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा एक राइट एंगल में लाइन खींचेंगे, जैसे कि हमारा राइट एंगल में है,
तो इसी को जो हम सीधा इस तरीके से खींच लेंगे। उसके बाद 300 mm करके है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 30-30 मार देता हूँ। तो 30 मैंने इधर मार दिया और 30 मैंने इधर मार दिया, ओके। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इस तरीके से लाइन सीधा आया हुआ है, तो ये लाइन इस तरीके से होना चाहिए बिल्कुल राइट एंगल में। और ये हमारा है 150, तो यहाँ पे मैं सिंपली 15 mm मार देता हूँ। और यहाँ से आपको चेक करना है, यहाँ पे 380 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। और फिर ठीक है, तो इस तरीके से लेआउट हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो भी लाइंस है वो सभी को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है सब बाहर, ठीक है। इस तरीके से लाइन आपको, सभी लाइन आपको ऐसे बाहर बढ़ा देना है, ओके। और बाहर बढ़ाने के बाद आपको एक प्लेट लेना है, जिस भी प्लेट में आपको मार्किंग करना है। तो सपोज कीजिए ये हमारे पास प्लेट है, ओके। तो इस प्लेट को आपको क्या करना है, ऐसे रख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको जो हमने लाइन्स यहाँ पे खींचा था वो लाइन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइन खींचा था, देखिए एक यहाँ पे लाइन है ना। और उसके बाद एक लाइन हमारा यहाँ पे दिख रहा है, देखिए, ओके। एक लाइन यहाँ पे दिख रहा है, एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपको दिख रहा है, तो इस पे आपको क्या करना है, ऐसे मार देना है, ऐसे रख के। इधर का हो गया और फिर इधर का हो गया, इधर का हो गया और फिर इधर का हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, तो ये देखिए। अब मैं इसको यहाँ पे कटिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा प्लेट हो गया जो डिग्री में है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं रख के भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्लेट है उसको ऐसे करके निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो ड्राइंग मैंने अभी आपको दिखाया, अगर आपको ड्राइंग देखना है, स्टडी करना है अगर वो ड्राइंग, तो आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं, फिटर की पूरी जानकारी उसमें मैं जो है जल्द ही अपडेट कर दूंगा सभी ड्राइंग्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।